हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मैं हूं अनुपमा वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको गणेश चतुर्थी पर बेसन के लड्डू बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल मार्केट स्टाइल और दानेदार लड्डू बनाएंगे और हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं यहाँ मैंने दो बड़े कप बेसन लिया है ये नॉर्मल घर का बेसन है इसके बाद मैंने चीनी का बुरा लिया है जिसे तगार बोलते हैं मार्केट में किसी भी किराना स्टोर पर अवेलेबल है इजीली इसे मैंने घर पे बनाया है ये थोड़ा सा दरदरा होता है और मार्केट वाले जब भी लड्डू बनाते हैं तो चीनी पीसी हुई चीनी नहीं डालते इसी को डालते हैं मैंने एक कटोरी घी लिया है पर अभी हम आधा घी ही यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और घी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर कुछ काजू लिए हैं मैंने बारीक कटे हुए और ये जो बड़े बड़े वो हम डेकोरेट करेंगे उससे लड्डुओं को अब यहाँ हमने एक भारी तले का बर्तन लिया है इसमें यहाँ मैं हाफ़ कप घी अभी डाल रही हूँ गैस का फ्लेम एकदम कम होना चाहिए एकदम स्लो फ्लेम पे हमें बेसन को भुनना है अगर हम गैस का फ्लेम मीडियम या हाई करेंगे तो हमारा बेसन कच्चा रह जाएगा अब घी मेल्ट हो चुका है तुरंत ही इसमें हम बेसन डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे पहले हम देख लेते हैं घी की ज़रूरत तो और रहे रहेगी क्या इसमें हमें बचा हुआ सारा घी डाल देते हैं अगर अभी हमें और घी लगेगा तो हम थोड़ा और डाल देंगे अभी इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बेसन और घी अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी आपको बेसन बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई दिख रहा है सूखा सूखा लग रहा है क्योंकि बेसन ने अभी पूरा घी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है अभी हम इसमें घी और नहीं डालेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ये घी छोड़ते जाएगा अगर हम घी अभी डाल देंगे तो फिर बाद में हमें लड्डू बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो ये जैसे जैसे भूनता जाएगा वैसे वैसे ये घी को छोड़ते जाएगा से हम भून लेते हैं एकदम लो फ्लेम पर लगातार हम इसे चलाते ही रहेंगे तो इसे भूनते हुए मुझे पाँच से सात मिनट हो चुके हैं अभी मुझे इसमें घी कम लग रहा है तो मैं इसमें दो छोटी चम्मच घी और डालूंगी तो यहाँ इसमें मैंने दो छोटी चम्मच घी डाल दिया है आपको इसमें घी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है अब इसे हम और भून लेंगे दोस्तों इसमें हम थोड़ा घी और डाल देते हैं यहाँ मैंने इसमें चार छोटी चम्मच घी और डाला है अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अब घी बिल्कुल सही है और बेसन भी बहुत अच्छे से भून जाएगा अब अब इसमें हमें और घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कंसिस्टेंसी का आपका बेसन होना चाहिए जब आप इसे घी में भूने क्योंकि अगर घी बहुत ज़्यादा भी कम रह जाएगा तो बेसन अच्छे से भून नहीं पाएगा और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लड्डू बन नहीं पाएंगे अच्छे से तो अब इसे हम भून लेते हैं अभी भी गैस का फ्लेम स्लो ही है आपको गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है और इसे इसका कलर चेंज होने तक और अच्छे इसमें से जब तक बेसन के भुनने की खुशबू ना आने लगे तब तक आपको इसे भूनना है लगातार चलाते हुए ही आपको इसे भूनना है वरना ये लग सकता है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी से जलने लगता है इसीलिए इसे हम छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी देखिए अब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है बिल्कुल तले में आप इस को ले जाएं और बिल्कुल तले में लगाते हुए चलाएं। कहीं पर भी चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों बेसन हमारा भून तैयार हो चुका है इसे मैंने लो फ्लेम पर पंद्रह से बीस मिनट तक लगातार चलाते हुए भुना है अब हमें इससे ज़्यादा इसे भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर मैं आपको दानेदार लड्डू बनाने का एक तरीका बताऊंगी। ये प्रोसेस आपको बिल्कुल पूरा बेसन भून जाने के बाद ही करना है और बहुत सावधानी से करना है हम हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और इस पे इस तरह से चीठे लगा देंगे ताकि इसमें दाने बन जाए देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और लगातार आपको इसको चलाते रहना है अब हम गैस को बंद कर देंगे लेकिन इसे हम चलाना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे हम इसे थोड़ा ठंडा होने जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तक हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे यहाँ गैस मैंने बंद कर दिया है और इसे हम बिल्कुल लगातार चलाते ही रहेंगे कम से कम पाँच मिनट तक हम इसे चलाएंगे आप चाहें तो इसे किसी दूसरी प्लेट में भी निकाल सकते हैं मैं भी इसे दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ लेकिन प्लेट में जब आप इसे निकाले तो भी आपको इसे चलाते ही रहना है ठंडा होने तक इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है लेकिन अभी ये बहुत गर्म है हम इसे ठंडा करेंगे उसके बाद ही इसमें हम चीनी या फिर शक्कर का बूरा मिलाएंगे अगर आप गरम गरम में मिला देंगे तो लड्डू बनाते वक्त तो आपके लड्डू बिल्कुल गोल बनेंगे लेकिन बाद में वो अपना शेप में वो नीचे से बैठ जाएंगे चपटे हो जाएंगे इसलिए आपको इसे ठंडा होने देना है लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इतना ठंडा करना है कि इसे हम अपने हाथ से छू सकें और ईजीली लड्डुओं को बना सकें अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है इसे हम हाथ लगाएंगे तो टच कर सकते हैं इसे बहुत ज़्यादा ठंडा हम नहीं करेंगे अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जा रहा है जब ये गर्म था तो बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का था अब इसमें हम काजू के टुकड़े डाल देंगे जो हमने अच्छे से काट के रखे हुए थे थुबार इसे मिक्स कर लेते हैं अब इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे ये है बूरा शक्कर का बूरा आप किसी भी चीनी का यूज़ ना ही करें वरना ये दानेदार नहीं बनेगा और अगर आप चीनी का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल गर्म गरम में तो बिल्कुल भी ना डालें आप इसे बूरा डालने से ही लड्डू दानेदार बनते हैं अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे हम हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब बनाना शुरू करते हैं इसके इस तरह से हम अपने हाथों से इसे प्रेस करते जाएंगे दबा दबा के प्रेस करेंगे ताकि ये खुले नहीं इसे एक राउंड शेप दे देंगे और इस पर हम काजू लगा देंगे तो ये मैं आपको अब एक दूसरा लड्डू बनाना है बताती हूँ इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये बंद जाए और बाद में खुले ना और इसे हम गोल शेप दे देंगे अपने हाथों से पे भी हम काजू लगा देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि काजू चिपका रहे हमारे सभी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल गोल बने हैं बिल्कुल भी ये नीचे से बैठे नहीं है और बिल्कुल गोल लड्डू है आप दो कप बेसन से हमने कुल तीस लड्डू बनाकर तैयार किया है इस साइज के अभी इन्हें हम सर्व कर लेते हैं तो दोस्तों बनकर तैयार है हमारे बेसन के लड्डू वो भी घर पर इस गणेश चतुर्थी आप गणेश जी को अपने हाथों के बने हुए लड्डू से भोग लगाएँ आपको बाहर से लड्डू लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे और बहुत सही बनेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए अपनी फ़ैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें थैंक यू सो मच for watching my recipes